नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो हाउ आई मेक टैली टीडीएल की सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे हम लोग एक वाउचर के अंदर में जो लिस्टिंग रहती है अपने स्टॉक आइटम की, वहां से अपन सिर्फ जीरो वैल्यू को हटा दें और बाकी जिसमें भी अपना क्लोजिंग बैलेंस वगैरह रहे उसको अपन वहां पे लेके चले। यानी कि आपका सिर्फ स्टॉक आइटम में जब भी आप इनवॉइसिंग करने जाएं तो वहां पे आपका सिर्फ क्लोजिंग वैल्यू जिसका उपलब्ध है, जो भी आपके स्टॉक में उपलब्ध है वही आपको वहां पे दिखे। तो इसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जो लोग टीडीएल सीखना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अच्छी वीडियो है, कैसे फिल्टर लगाना है अपने को लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम या लिस्ट ऑफ लेजर्स वगैरह में। और जिन लोगों को दोस्तों ये टीडीएल चाहिए होगी तो वो टीडीएल बहुत छोटी कोडिंग है तो बना के अपना यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे करना है फिल्टर को यूज करेक्शन के अंदर में। तो दोस्तों, टीडीएल बनाने के लिए आपके पास में टैली प्राइम डेवलपर है तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास में टैली प्राइम डेवलपर नहीं है तो आप नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, टेक्स्ट फाइल के अंदर भी आप टीडीएल कोडिंग लिख के उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टीडीएल वाकई में सीखना चाहते हैं तो आपके पास में टैली प्राइम डेवलपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करिए, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हुई हैं उसके आप प्ले लिस्ट देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है प्रॉपर तरीके से कैसे अपने को टैली प्राइम डेवलपर इंस्टॉल करना है और कैसे कैसे यूज करना है इसको। तो अपने को पहले टैली प्राइम डेवलपर और टैली प्राइम दोनों ही ओपन करके रख लेना है। अब दोस्तों, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे चले जाएँ इसके अंदर में सेल्स के वाउचर के अंदर में, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ये स्टॉक आइटम की लिस्ट आ रही है, अब इसमें आप देख सकते हैं कुछ ऐसे स्टॉक आइटम्स भी हैं जो माइनस में हैं या तो जो अपने पास में स्टॉक ही नहीं है, जीरो पड़ा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे स्टॉक आइटम की लिस्ट यहाँ पे ना दिखे ताकि कोई इसमें बिलिंग ना कर पाए इसका। तो होता क्या है दोस्तों, गलती से अगर कुछ अलग टाइप के नाम अपने टैली में क्रिएट हो गए हैं या डुप्लीकेट नाम है तो अपन क्या करते हैं, बाय मिस्टेक उससे बिलिंग कर देते हैं, फिर वही अपना माइनस में दिखते रहता है। तो जब यहाँ पर वो आइटम दिखेगा ही नहीं तो बिलिंग करने का सवाल नहीं पैदा होता। तो आज की वीडियो में अपन वही देखेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम से बाकी चीज़ों को अपने को हाइड कैसे करना है, फिल्टर आउट कैसे करना है। तो जैसे ये लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम हो गया, वैसे ही आप चाहें तो यहाँ पे पार्टी लेजर से भी चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं, आप जो चाहें यहाँ पे उसी को शो करा सकते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट वही है कि जो भी अपना लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स है, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स है, वहाँ पे अपन फिल्टर लगाएंगे, यानी कि अपन एक कलेक्शन के अंदर में फिल्टर लगाएंगे और उसको यूज करेंगे टैली में। अब इसमें दोस्तों कलेक्शन कौन कौन से हैं, जैसे ये लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स लिखा हुआ है, हो सकता है कि इस कलेक्शन का नाम कोडिंग में कुछ और हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कोड में क्या कलेक्शन का नाम है क्या नहीं है। तो यहाँ पे अपने को टैली के अंदर में सीधा चले जाना है दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेटर में चले जाएंगे आप, यहाँ पे सीधा टाइप करेंगे सेलेक्ट डॉलर नेम फ्रॉम ओडीबीसी टेबल्स, इसको आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ये नाम आपको मिल जाएंगे, इसको अपने को एक्सपोर्ट कर लेना है एक्सेल वगैरह में, तो आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको चेक करते बनेगा क्योंकि ये 200-250 नाम है। तो अब दोस्तों अपने पास में ये सभी नाम आ गए, अब इसमें से जो भी आपको जैसे लिस्ट वाले चीज़ों को देखना है, जो जो आपको वहाँ पे लिस्ट बन के दिखता है टैली के अंदर, तो बस आपको यहाँ फिल्टर में लिस्ट टाइप करना है। ये सभी अपने लिस्ट वाले नाम आ गए, लिस्ट ऑफ लेजर, लिस्ट ऑफ मर्चेंट प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ दिस, तो बहुत सारे नाम है इसमें। अब इसमें आपका लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम भी होना चाहिए, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आ गया लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स करके, यही चीज़ आपका टैली में भी यहाँ पे हेडिंग में लिख के आ रहा था स्टॉक आइटम्स करके। तो इसी को अपन टारगेट करेंगे, इसी को अपन चेंज करेंगे फिल्टर लगा के। तो अपने को यहाँ पे टैली प्राइम डेवलपर ओपन कर लेना है, इसमें अपन जाएंगे सीधा यहाँ पे फाइल के अंदर, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, इसमें एक नाम दे देना है आपको अवेलेबल आइटम्स करके। तो मैंने अवेलेबल आइटम्स करके एक नाम दे दिया, आप कुछ भी इस तरीके का नाम दे सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आपके डेस्कटॉप में जहाँ भी आपने इसका पथ दिया होगा तो यहाँ पे इस तरीके से ये फाइल अपनी सेव हो जाती है, टेक्स्ट फाइल रहेगी, नोटपैड फाइल रहेगी। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ भी कोड लिखें तो भी वही वर्क होगा, या तो आप डेवलपर के थ्रू कोड लिखें तो भी वही वर्क होगा, क्योंकि जब आप डेवलपर में कोड लिखेंगे तो ये कोड आपका यहाँ पे टेक्स्ट फाइल के अंदर ही सेव होते जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपने को एक ब्रैकेट लेना है, हैश के साथ में लिखना है कलेक्शन, और जो कलेक्शन का नाम है लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स वो आपको टाइप कर देना है। तो आप इस तरीके से स्पेस वगैरह दे के टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो एक साथ कर दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जैसा चाहें वैसा आप टाइप करिए, लेकिन आपको स्पेलिंग का ध्यान देना है, स्पेलिंग सेम यही होनी चाहिए। अब इसमें कलेक्शन और कौन कौन से होते हैं आपको अगर डेवलपर में चेक करना है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, कंट्रोल के साथ में आपको इसके ऊपर बस क्लिक करना है। आप कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे ऐसा विंडो ओपन होगा,
इसमें आप गो करेंगे, यहाँ पे आपकी ये पूरी कलेक्शन की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो इसमें मल्टी स्टॉक आइटम, प्राइस लिस्ट कलेक्शन, गोडाउन कलेक्शन, ये सभी कलेक्शन के नाम यहाँ पे आपको लिख के मिल जाएंगे। अब इसमें लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसी को अपने को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आ जाएंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। अब इसमें जो चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं हुआ आप हटा सकते हैं, अपने को ये सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये सभी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। आप चाहें तो ये टाइटल वगैरह भी हटा सकते हैं, इसका भी कोई यूज नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन यूज रहेगा, यहाँ पे टाइप करके जो स्टॉक आइटम लिखा हुआ है, फेच करके है, नेम है, तो इसमें अपन क्लोजिंग बैलेंस भी फेच करा लेते हैं ताकि अपन क्लोजिंग बैलेंस के थ्रू फिल्टर लगा सकें। तो यहाँ मैंने क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया साथ में। ठीक, अब इसी में अपने को नीचे एक लाइन और ऐड करनी है, यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर करके, इसमें कॉलन का चिन्ह लगाना है, आपको नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे लर्न वेल आइटम फिल्टर करके लिख देता हूँ। इस तरीके से आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। इसको कॉपी करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अपन ब्रैकेट लेंगे, लिखेंगे सिस्टम फार्मूला, तो इधर सिस्टम लिख देंगे, कॉलन चिन्ह लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे फार्मूला। अब इसमें फार्मूला फार्मूले कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी चलेगा। इसके बाद फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जो भी नाम आपने ये यहाँ पे दिया हुआ है, यही सेम नाम को अपने को इधर डालना है। यहाँ कॉलन का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे अपने को क्लोजिंग बैलेंस से फिल्टर लगाना है, आपको क्लोजिंग बैलेंस इधर डालना है, डॉलर के साथ में लिखना है। अब क्लोजिंग बैलेंस अपना 0 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 मैंने लिख दिया तो 0 वाला भी वहाँ पे नहीं दिखेगा और जो माइनस में है वो भी वहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर आपको उल्टा करना है तो आप लेस देन करेंगे तो सिर्फ 0 और माइनस वाले दिखेंगे, जो प्लस में रहेंगे वो नहीं दिखेंगे। तो अभी अपने को इसमें से जो माइनस दिख रहे हैं, 0 दिख रहे हैं, वो अपने को यहाँ पर नहीं चाहिए, सिर्फ प्लस वाले चाहिए। जैसे ये सब प्लस में दिख रहे हैं, सिर्फ यही बस चाहिए। तो सीधा सीधा यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, अपना काम हो जाएगा। बस इतना ही ये कोड था, आप इसको डायरेक्ट नोट पैड में भी टाइप करके यूज कर सकते हैं। तो अब इसको दोस्तों सेव कर देता हूँ मैं। सेव करके चलते हैं एक बार यहाँ पे टैली में लोड करते, इधर हेल्प में चले जाते हैं, TDL एंड एड ऑन, मैनेज लोकल TDL, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप में है, अवेलेबल आइटम करके मैंने नाम रखा हुआ है, इसको लोड करते हैं। यहाँ पे ये लोडेड करके आ गया दोस्तों, TDL अपना लोड हो गया। अब चलते हैं इधर वापस से, इधर वाउचर में अगर चलें, ठीक है। तो लेकिन अभी भी यहाँ पे सभी आइटम्स दिख रहे हैं, तो कोई कोई TDL क्या है, जब तक आप रिस्टार्ट ना करो टैली को वर्क नहीं करता है। तो अपन क्या करेंगे, टैली बंद करके वापस से एक बार ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने टैली वापस से ओपन कर लिया। अब अपन चलते हैं यहाँ पे सीधा वाउचर के अंदर में, सेल्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लस वाले आइटम्स थे वही बस दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो माइनस वाले थे या 0 वाले थे वो सभी हट चुके हैं। अब ये सेम चीज़ आपका कहाँ कहाँ दिखेगा, जहाँ जहाँ भी आपका लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स की चीज़ यूज हुई होगी वहाँ वहाँ दिखेगा। अगर यहाँ पे अगर आप अल्टर में चले जाएँ, अल्टर में जाने के बाद इधर स्टॉक आइटम में चले जाएँ, तो यहाँ भी सिर्फ वही स्टॉक आइटम्स शो होंगे, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है ऊपर में हेडिंग में, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स। तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स जहाँ भी यूज हुआ रहेगा, चाहे आपका सेल वाउचर हो, परचेज वाउचर हो, कोई सा भी वाउचर हो, सिर्फ यही आइटम वहाँ दिखेंगे हर जगह। यहाँ पे भी आपने ओपन करने के लिए आए तो यही आइटम दिख रहे हैं यहाँ भी। अब अगर आपको देखना है सभी आइटम्स को कि सभी आइटम्स हैं कहाँ पे, तो आप यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके यहाँ से देख सकते हैं। इधर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में स्टॉक आइटम्स में चले जाएंगे, यहाँ पे आपको सभी आइटम्स दिख जाएंगे। बाकी साइड में इधर स्टॉक आइटम व्यू करके ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके आप डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा, और ये TDL को जरूर आप बना के ट्राई करिए, काफी बढ़िया चीज है ये। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, मैं ऐसी चीजें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।